हेलो हाय। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से, मेरे कान्हा जी की कृपा से सब अच्छे होंगे, होने चाहिए, होने होंगे। और ये मैं सुबह सुबह, मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 बजे का टाइम है, मैं जगी हूँ। और जगने के बाद ना मुझे तुरंत खाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैठी थी जगने के बाद, जग के हाथ मुंह धो के फिर उसके बाद ना फिर मैंने चाय बनाया। चाय बनाने के बाद फिर मैंने देखती हूँ खाना, सब्जी क्या बनाती हूँ। तो आज मैं आज आपको दिखाती हूँ तोरई की सब्जी, मतलब मैं कैसे बनाती हूँ नॉर्मल तरीके से। और सुबह, क्योंकि वो मॉर्निंग में ड्यूटी जाते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और मुझे ये सब्जी काटना और ये सब धो के भी, फिर तब तक मैं नहा धो भी लेती हूँ, नहा भी लेती हूँ सब कुछ। कपड़े वगैरह तो खैर मशीन में धुल जाते हैं। और देखो मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं दिखा रही हूँ बाहर की साइड, और अंदर तो लाइट जला रखा है। और मैं बैठ के ना ये तोरई है, तोरई की सब्जी काट रही हूँ। और किस तरीके से बनाते हैं, हम सिंपल बनाते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल तरीके से। और मैं ना दिखाती हूँ सुबह से अपना रूटीन, क्या रूटीन है मेरा। सुबह सुबह जग के थोड़ा बहुत देखा, रेस्ट किया 5-10 मिनट, उसके बाद फिर सब्जी काटो। सब्जी काटने के बाद फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, और ये थोड़ा वर्क करना, क्योंकि मैं रात में ना मुझे नाइटी पहनती हूँ, नाइटी पहन के नींद आती है मुझे, ऐसे अच्छे से नींद नहीं आती है फिर, तो इस तरीके से थोड़ा नाइटी में है आज। और मैं किचन में मोबाइल को रखा है, और ये ना मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज को ना मैं मतलब, हाँ ये है मिनी मिक्सर, मिनी मिक्सर से ना मैं प्याज को अच्छे से कट जाता है, इसीलिए मुझे इससे काटने में अच्छा लगता है। हाथ से ना थोड़ा मोटा मोटा कटता है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही थी। हाँ, प्याज छीलने के बाद फिर मैंने उसको ना मिर्ची लेने गई हूँ अंदर, फिर से मिर्ची निकाला। हरी वाले मिर्ची ज़्यादा खाते हैं हम, लाल रेड मिर्ची नहीं खाते हैं। सब्जी में मेरा अधिकतर हरी मिर्ची ही मिलेंगी सब्जी में, मैं लाल मिर्ची ना हम लोग बहुत कम खाते हैं, और मुझको भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मैं भी नहीं खाती हूँ। मेरे को डायबिटीज और इसमें थोड़ा दिक्कत रहती है, बीपी हाई में, तो इसीलिए हम हरी वाली मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। और इसको इस तरीके से मिनी मिक्सर में दिखा रही हूँ मैं कैसे कट कर दिए, और फटाक से बहुत अच्छे से कट जाती है उसमें प्याज, और एकदम बारीक कटती है, हाथ से नहीं कटती मेरे से ऐसे। तो मुझे इसको काटने में भी अच्छा लगता है, मतलब आँखों में आंसू आंसू भी नहीं आता, कुछ नहीं, इससे अच्छा अच्छा लगता है इस तरीके से। ये देखो मैंने उसमें कढ़ाई में तेल, ऑयल पहले ही गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने प्याज और वो मिर्ची मिक्सर में काटा था, उसको पकाने के लिए रख दिया। इस तरीके से मतलब अच्छे से हो जाता है। और इसके बाद ना मैं इसमें मसाला डालूंगी। मसाला ये देखो मैंने थोड़ा हल्दी डाला, हल्का सा लाल मिर्ची डाला है, धनिया पाउडर डालने के बाद, और ये मेरे मोबाइल में थोड़ा कुछ कुछ मैसेज आ रहा है, इसको उसको थोड़ा आवाज़ आ रही होगी। और ये देखो गरम मसाला, मसाला डालनी है मेरी उसमें, मतलब सब तरह के मसाले रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं कि सारे सब मसाले, मतलब धनिया पाउडर डाला और वही डाला था, उसके ऊपर से मैंने ये डाल दी तोरइयाँ। और थोड़ा मुझे ना छोटी छोटी काटने में ही अच्छा लगता है, ये छोटी छोटी अच्छी रहती हैं, और इनको ना बिना पानी के गलाने में बहुत अच्छा लगता है। पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, धीमी आँख पर, और इतना अच्छी बनती है, टेस्टी। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ये, मतलब बिना पानी के कोई भी सब्जी हो बिना पानी वाली बहुत पसंद रखती है उनको। पानी डाल देते तो बोलते वो थोड़ा अच्छी नहीं लगती, थोड़ा टेस्ट थोड़ा अजीब अलग हो जाता है। ये सब डालने के बाद मैंने लास्ट में नमक डाल दिया, और देखो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसमें मिर्ची भी दिख रहा होगा, हरा वाला मोटा रह जाता है उसमें, तो वो अच्छा लगता है खाने में, ऐसा नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है। इस तरीके से
सब्ज़ी को पका के। और मैंने थोड़ा मैंने शुरू से सुबह से ही मैंने सोच लिया था कि आज देखो सुबह से अपना रूटीन दिखाती हूँ, रूटीन क्या क्या है मेरा सुबह। और इसको सब्ज़ी को बनाने के बाद ना पहले मेरा ये बन रही थी उस टाइम मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, झाड़ू लगा लिया, पोंछा लगा लिया। उसके बाद मेरा ये मैं नहाने के बाद, और नहाने के बाद भी मैंने नाइटी ही डाला था, नाइटी डाल के ये मैं भगवान पूजा वूजा करके ही खाना पीना खाती हूँ। और ये मैंने भगवान को दीपक जलाती हूँ, तो ऐसा कुछ ज़्यादा वैसे नहीं है। और दीपक जलाने के बाद मैं कान्हा जी को भी थोड़ा सेवा करती हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम हो जाता है। कान्हा जी को अच्छे से टीका लगाया था मैं, लेकिन थोड़ा सा नीचा बहने लगा था टीका उनका, पानी ज़्यादा हो गया था, तो इस चक्कर में ना फिर मैंने कान्हा जी को ना मंदिर से बाहर बिठा के उनको, और ये देखो बाहर बिठा के उनको अच्छे से साफ करके उनका आँखों में लगता है ना कुछ भी जाए, तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा देखो। और ये मैं अपने